स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2024 का जितने भी विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे उनका इंतजार जो समाप्त हो चुका है, ठीक है, इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि झारखंड के सचिव ने रिजल्ट का घोषणा कर दिया गया है, ठीक है। आखिर के दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, 9th के विद्यार्थी हैं, 10th के विद्यार्थी हैं, 11th के विद्यार्थी हैं, 12th के विद्यार्थी हैं, वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा किन विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है कौन सी तिथि में आ रहा है। ये झारखंड के सचिव ने रिजल्ट जारी कर दिया है, ठीक है, रिजल्ट डेट को जारी किया गया है, रिजल्ट का घोषणा कर दिया गया है, और साथ में 2 बजे किसका रिजल्ट आएगा वो भी जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक-एक साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि झारखंड के सचिव ने क्या आपके लिए खुशखबरी दिया है, किनका रिजल्ट 2 बजे आएगा, चलिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो अपडेट आया है उससे मैं आपको रूबरू कराता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि 20 अप्रैल को निकल सकता है मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है। अभी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, उसका बाद मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में 10th के बाद 11, 12, 8 और 9 का, ठीक है। आप वीडियो को कंप्लीटली अंत तक बन रहिएगा, ठीक है। यहां पर जैसे कि लिखा गया कि जेक और से ली गई मैट्रिक का परीक्षा, ठीक है, का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी होने की संभावना है। इसे लेकर जेक ने सारी तैयारी पूरी कर ली है, मैट्रिक के परीक्षा के कॉपी का जांच पूरा हो गया है और आपका जो कॉपी का मूल्यांकन है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब रिजल्ट आपका कोई नहीं छीन सकता आने से, ठीक है। मार्क्स फाइनल भी जो है क्या है, तो मार्क्स फाइनल भी तैयारी कर लिया गया कि कितना विद्यार्थी का अंक 430 नंबर आ रहा है, किसका 485 आ रहा है, किसका 370 आ रहा है, इस प्रकार से अब जो रिजल्ट का जो है नंबर भी बैठ चुका है, ठीक है। स्कूली यह जानकारी जेक की ओर से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को दी गई है। और ये आपका जो जानकारी कौन दिया है, तो जेक की साक्षरता और शिक्षा विभाग के सचिव ने ये जानकारी आपको बताया है। और मैं ध्यान से सुन लीजिएगा जो बात बताने वाला हूँ, ठीक है। और क्लास 12th का देखिए, क्लास 12th और उसके बाद 8th, 9th और 11th, ठीक है, 20 अप्रैल को फिक्स हो गया है मैट्रिक का रिजल्ट आएगा। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th के हैं वो सभी अपने दोस्तों के साथ बता दीजिएगा कि 20 अप्रैल को उनका रिजल्ट आएगा, और 20 अप्रैल को 2 बजे दोपहर 2 बजे, ठीक है, रिजल्ट आपका प्रकाशित हो जाएगा। किसके वेबसाइट पे, तो जेक की वेबसाइट पे, जैसे कि मैं आपको शुरू में दिखाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ठीक 2-4 दिन बाद क्लास 12th का रिजल्ट आएगा, यानी कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आएगा, और उसके 10 दिन बाद लगातार क्लास 8, 9 और 11 का रिजल्ट भी आएगा, और सारा का रिजल्ट 2 बजे ही आएगा। कितना बजे आएगा, 2 बजे, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट 2 बजे ही प्रकाशित होता है जेके वेबसाइट पे। तो दोस्तों आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा, और 20 अप्रैल आने में बहुत ही कुछ शेष दिन बचा हुआ है, ठीक है, लगभग 5 दिन, ठीक है। तो चलिए इंतजार का आपका जो समाप्त हो चुका है घर ही, और मैं मिलता हूं आपके रिजल्ट में, ठीक है। जिस प्रकार से रिजल्ट आएगा मैं आपको चेक करके बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।